And with a huge round of applause. Honorable Union Minister Art Science, Sri Kiran Rijiju sir. Honorable Minister Nari Koyo Assembly Constituency, Kentorina sir. इसको आप लोगों को थोड़ा अज्ञात कराना चाहता हूँ. सबसे पहले मेरा लॉर्ड श्याम ने PMGS SY स्कीम जब मैं 2017 को और ट्रेकिंग किया था तब तक PMGSY स्कीम का कोई प्रपोजल नहीं चल रहा था. उसका साक्षी है, उसका विटनेस है हमारा RWD डिपार्टमेंट. हमारा कांको सर्कल का लोगों ने एक मूवमेंट, एक मुहिम चला था. जब तक हमें रूट नहीं देगा तब तक हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे. बाय भी पोलिंग स्टेशन आपका बाय इलेक्शन में उपचुनाव में वोटिंग नहीं किया. वो कुछ हद तक हमें मदद किया. मैंने सरकार को प्रयास करने में, सरकार को प्रेशर डालने में एक मदद किया. हमारा वहां में सड़क नहीं है, उसी कारण 5 पोलिंग स्टेशन में वोटिंग नहीं किया. तो हम लोगों ने प्रपोजल डाला. स्टेट सरकार जो जो करना था सारा स्क्रूटिनी करना था. जोरात से हमको टेक्निकल मीटिंग करना था, सारा ठीक ठाक किया. मेरे ख्याल 150 करोड़ से भी ज्यादा का लागत से प्रोजेक्ट था. यहाँ पाली से लेकर के आपका दुर्पाय तक था और रिंगे बस्ती से लेकर के आपका गेंगे बस्ती तक था, फिर रिंगे से लेकर के पायमोरी बस्ती, फिर आपका लिकाबली से लेकर के कुंतर बस्ती. ऐसा करके कुल ब्रिजेस एंड रोड को मिलाने से 150 करोड़ से भी ज्यादा लागत से हम लोगों को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिला था. इसमें देखिए टीम स्पिरिट है. हम अपना तरफ से स्टेट लेवल में जो जो करना था किया. जब दिल्ली मिनिस्ट्री में पहुंचा हम लोगों ने किरण सर को बताया, सर ये प्रपोजल दिल्ली पहुंच चुका, अभी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेंक्शन करा. सर ने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, स्कीम सेंक्शन हुआ, स्कीम आपका इंप्लीमेंटेशन भी हो गया. अभी हम लोगों को ये रूट डेडिकेट कर चुका. उसके अलावा इस साल फिर मेरा गेंसी में गारू गेंसी रूट, जबकि बहुत पुराना रोड है, सिंस 1964 रोड वाज कंस्ट्रक्टेड, लेकिन रोड का हालत अभी ठीक नहीं है. मैं वहां का एक मीडिया कोने का नाते इसको कबूल करता. मैंने बहुत जगह कोशिश किया स्कीम को मंजूरी कराने, सेंक्शन कराने के लिए, लेकिन नहीं हुआ. इस बार हम लोगों ने PMGSY3 में प्रपोजल डाला और हमारा फिर मेरा बोस्ती से लेकर के दीतेन से लेकर के शिवरेते तक और एक पैकेज था, और आपका कुंतर से लेकर के दीपा तक एक पैकेज था. कुल मिला के मेरे ख्याल 70-80 करोड़ का लागत से ये भी लगभग इतना ही होगा. सारा काम हम स्टेट लेवल में जो जो करना चाहिए पेमा खंडू जी का सरकार और हम लोग का लेवल में जोरात तक हमारा सीमित है. जोरात पार करता है तो किरण सिंह का पार्लियामेंट आ जाता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी इनका होता है. तो हम लोगों ने भेजा, उसका भी सेंक्शन हुआ. अभी हाल ही में टेंडर होगा, काम शुरू होगा. उसके लिए खास करके दीपा पाले और हमारा कुंतर और गिरदिन बस्ती आप लोग बहुत आभारी रहना चाहिए हमारा केंद्र मिनिस्टर का प्रति और हमारा राज्य सरकार का प्रति, क्योंकि
आपका कृपा जो है लेखावली तो नहीं जुड़ा था, क्योंकि दो बड़ा बड़ा ब्रिजेस है उसको बहुत पैसा से बनाना है, मेरे ख्याल 7 करोड़ एक ब्रिज का प्रोजेक्ट है। तो दोनों ब्रिज बनने का बाद सड़क यहां से लेखावली अगर हम उसको कंप्लीट कर देंगे तो हम लेखावली जाने के लिए दीपा से कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, हम विद इन द अरुणाचल प्रदेश हम जा सकते हैं और लेखावली का दूरी जो है बहुत ही कम होगा। ये है 3 स्प्रिंग, इसी को बोलता है आपका डबल इंजन का सरकार। आदमी लोग का एक मिसकंसेप्शन है, बोलता है कि किरण जी को हम लोग बहुत बहुत दे चुका। अभी मेरा यह कॉन्स्टिट्यूंसी में तो सर मैं दावा का साथ कह सकता हूं कि यहां ऐसा कुछ नहीं है, हमको जितना वोट मिलेगा आपको इतना ही मिलेगा। मैं ये दावा का साथ आपको आपका मौजूदगी में सारा ये आपका ऑडियंस का विटनेस में मैं आपको यही घोषित करना चाहता हूं। लेकिन कोई कोई जगह में यही बोलता है कि किरण जी को हम लोग बहुत बार दिल्ली में भेजा और हम लोग कोई और को भेजेंगे, ऐसा कुछ बोलने का कोई कोई जगह में सुनाई देता है। तो ये हम लोग का आदमी लोग का इल्यूजन है, इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूजन। ये देखिए अभी हमारा मौली रिवा जी ने जिक्र किया कि हमारा यहाँ दुरपाई से लेकर के दीपा बस्ती तो कहीं भी ऐसा बस्ती नहीं होगा कि किरण जी का स्कीम नहीं पहुंचा। गारू से लेकर के सिवरी तक तो कहीं भी कोई बस्ती नहीं होगा कि वहां किरण जी का स्कीम नहीं पहुंचा। लेकिन अब स्थान में देखिए यहां तो मेरे ख्याल नहीं पहुंचा होगा क्योंकि गांव सर का अभी 4 साल ही हुआ, किरण सर तो 10 साल से एक गैप करके कंटिन्यू 10 ईयर्स ये क्षेत्र को चला रहे। ये पैसा कहां से आता है आप लोग को समझना होगा। ये पैसा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से किरण सर ने राज्य सरकार को रिक्वेस्ट करके ये स्कीम को डालता है। अगर कल हमारा एमपी कोई दूसरा और होगा एक पैसा नहीं मिलेगा। यहां हमारा इरिंग साहब एमपी हुआ करता था ये गांव साहब से पहले, इरिंग साहब को एक पैसा नहीं मिला। अभी ईस्टर्न हमारा लोअर सियांग तो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करता है पार्लियामेंट का, ईस्टर्न को भी वेस्टर्न को भी। ईस्टर्न वाला पता चलता होगा कि यहाँ में एमपी का कितना स्कीम चलता है। उसका कारण यह है कि यहाँ का एमपी ऑपोजिशन में रह गया और हमारा एमपी रूलिंग में रह गया, उसी वजह से ये स्कीम हमारा तक हम तक पहुंचने में कामयाब है। और ऐसा एक शख्सियत को जो कि दिल्ली में अपना फौज जमा चुका, जिसको कि नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिसको कि जिनका काम को दिल्ली में रिकॉग्नाइज है, ऐसा आदमी को हम लोग अनाप शनाप बोल के फेसबुक में कुछ कुछ लिख के और जो नहीं जानता है उसको गुमराह करके इनोसेंट को अगर सर को हम लोग नहीं भेजेंगे तो हमारा लिए तो इतना नुकसान है लेकिन भारत के लिए भी बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि मिनिस्ट्री में डायनेमिक मिनिस्टर जिसको गिना जाता है, हम लोग का एमएलए में भी एक परफॉर्म वाला एमएलए होता है, एक अंदर परफॉर्म वाला एमएलए होता है। ये सार लोग जो है डायनेमिक मिनिस्ट्री मिनिस्टर के लिस्ट में आते हैं तो भारत के लिए भी नुकसान होगा, हमारे लिए तो बहुत ही नुकसान होगा। अरुणाचल एमपी के लिए तो आपका दिल्ली मिनिस्ट्री में मिनिस्टर का पोस्ट रिजर्व है नहीं, इवन नोटिस के लिए भी रिजर्व नहीं है। हम यहां किसी को भेज देगा वो मंत्री बनेगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आज तक हमारे स्टेट में यूनियन कैबिनेट बना होगा तो सारी है फर्स्ट यूनियन कैबिनेट। तो ऐसा आदमी को हम लोगों ने, मैं इसलिए आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये बात को आप लोग को भी डाउन टू आपका जो जो अपना जानकारी है रिलेटिव्स है फ्रेंड्स है उसको पार्कुलेट डाउन करने के लिए मैं आप लोगों को उसको बता रहा हूं। हालांकि ये तो सब हमारा आदमी है
तो सार जो काम करता है उस चीज को बोलने से तो आज दिन भर गिनने से भी खत्म नहीं होगा। जब होम मिनिस्ट्री में था, स्टेट होम मिनिस्टर यूनियन का, टीवी में आता था, हम लोग सोचता था कि ये होम मिनिस्टर जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होता होगा, उसी वजह से सार ने हमेशा टीवी में आता है और अपना जो रूपरेखा, अपना जो आपका एक गतिविधि है उसको बताते हैं। लेकिन फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना तो भी सेम क्रेस्मेटिक रहा, उसका बाद लॉ मिनिस्टर बना सेम रहा, ये आपका मीडिया पर्सन ऐसा ऐसा आदमी को फॉलो करता है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है सेंट्रल। तो अभी फिर आर्ट साइंस का मंत्री बना तो वो भी हम लोग को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि आर्ट साइंस क्या है। पहले तो हम लोग को बिल्कुल मालूम नहीं था आर्ट साइंस डिपार्टमेंट भी होता है। अभी सार का इनिशिएटिव से अभी सार बताएंगे पूरा हमारा आर्ट में जो जो आर्ट क्लास का अंदर में एक्टिविटीज होगा उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहल किया और उसको अगर कामयाब होता है तो आर्ट क्वेक का ये आपका जो प्री इंडिकेशन वो भी मिल सकता है, ऐसा काम करें। मतलब ऐसा एक बहुत एक अच्छा डिपार्टमेंट, मतलब एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है ये भी। तो ऐसा करके सर मैं ये कहना चाहता हूं हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो 20th लिकावली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये हमारा लिए बहुत ही एक सेफेस कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सेफेस इसलिए है कि आदमी लोग मेरा ऊपर में एक विश्वास कायम किया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बोलता हूं आगे में, पीछे जाकर के मेरा बोलने का कोई आदत है नहीं, और जिस चीज को करना होता है मैं इसी को बोलता हूं। ये पब्लिक को जूता आश्वासन दे करके हम कभी भी पीछे नहीं मुकरता है। ये है कि लोगों का एक विश्वास मेरा ऊपर में कि हाँ ये आदमी को हम लोग और दोबारा तीसरा बार एमएलए बना देगा तो हमारे क्षेत्र में सुधार आएगा, ये एक विश्वास मैंने कायम किया। उसी विश्वास का साथ आपका लीडरशिप को भी मेरा 20th लिकावली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ने स्वीकार पहले से किया, अभी भी करेंगे। लास्ट टाइम आप लोग विश्वास नहीं करेगा, मुझे टिकट नहीं दिया गया था, मुझे मजबूरन पीटीए में लड़ना पड़ा, लेकिन हमारा सारा सपोर्टर मैं कुछ मेरा मिसेज मुझे बता रहा था मैं तो नहीं था, जो कि वो गलत है, अकेला 200 से भी ज्यादा बहुत किरण जी सर को मारा। हम लोग का एक विश्वास था कि चलो किरण सारे बने एमपी और नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और हमारा क्षेत्र पेमा खांडू सर का साथ एक एक अच्छा एक विश्वास कायम किया, उसे को बरकरार रखेगा, ये विश्वास का साथ हम लोगों ने ऐसा किया। तो आज भी हमारा लिखावल 20th लिखावल आपका साथ है और मेरा यहां में आपके लिए मेरे लिए कोई एंटी इनकन्वेंसिव फैक्टर बिल्कुल नहीं है, मैं यह दावा का साथ कह सकता हूं। हमको सीएम साहब ने पूछा था आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में किरण जी का क्या स्थिति है, मैंने सीएम साहब को बोला सर बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सारा पब्लिक हम लोग का साथ है और किरण जी के लिए हमारा 20th लिकावली जो है एक बहुत ही एक 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 मददगार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, मैंने सार को भी बताया। तो ये रहा पीएमजीएसवाई का आपका स्कीम का बारे में मैंने जिक्र किया, उसका साथ में मैंने किरण सर का भी थोड़ा सा जुड़ा। और हमारा लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारा लोग ये सोचता है कि एमएलए का डेवलपमेंट तो आया, चीफ मिनिस्टर का डेवलपमेंट तो आया, लेकिन एमपी का डेवलपमेंट कहां है, बहुत बराबर सबको देता है। मैं आप लोगों का मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं, ये स्टेट गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है,
सेंट्रल से ही आता है और सेंट्रल से जो पैसा आता है उसको प्लानिंग करने के लिए ऑथोरिटी किसको दिया है? हमारे चीफ मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, हमारा पूरा मंत्रिमंडल को और हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस में जो लोग है कमिश्नर सेक्रेटरी, इनका हाथ में आते हैं। इन्होंने हमें कंसल्ट करते हैं अपना अपना क्षेत्र का, तो सारा प्लानिंग वहां से पैसा गोता में आ जाता है और स्कीमेटिक हम लोग यही करता है। यहाँ एमपी का स्कीम आने का कोई जगह नहीं है। एमपी का डीटी ये है कि दिल्ली का जो स्कीम है बोरा बोरा, जैसे निश्चित में हो गया, आरआईडीएफ में हुआ, सीआरएफ में हुआ और आपका एनएसी में हुआ, उसको छोड़ करके डिपार्टमेंट में भी अपना अपना स्कीम है, सेंट्रल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये बोरा बोरा स्कीम दिल्ली जो जाता है वो एमपी का पार्ट में आता है। जितना भी 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ स्कीम सेंक्शन करके आता है, अभी हमारा ये फ्रंटियर हाईवे उसको बनाने के लिए 44,000 करोड़ दिल्ली से हम लोग को पैसा मिला। ये कौन करता है? इसको एमपी करता है। हम लोगों को समझना होगा कि जो जो हमारे यहाँ में हाईवे बन रहा है, जो जहां में बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ये सेंट्रल से बन रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है वो हमारा एमपी का थ्रू आता है। ये चीज को हम लोग को समझना होगा। और सार मैं पहले भी जिक्र किया, सार का संबंध गवर्नमेंट से अच्छा है, सार स्टेट गवर्नमेंट को परस्यू कर सकता है, वहां का प्लानिंग में जो ऑफिसर्स है वो लोगों का सार का अच्छा संबंध है, इसी नाते एसआईडीएफ में हर बस्ती में स्कीम आता है। अदरवाइज ये स्कीम बस्ती बस्ती में देना एमपी का काम नहीं है। तो ये है आपका सेंटर एंड स्टेट में जो डिफरेंसेस है एमपी एंड एमएलए का, आप लोगों को समझना होगा। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को बताया। उसका बाद में थोड़ा सा गर्म भी है, आप लोग को पंखा नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग प्यार करिए, सहन करिए। आज ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता है। किरण सार है हमारा, नारी गोयू का एमएलए सार है, आप लोग को भी मेरा तरफ से कुछ बताने से हमको भी सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। जैसे किरण सार का जो पर्सनल कैरेक्टर है और मेरा पर्सनल कैरेक्टर में बहुत सिमिलरिटीज है, मैंने ऑब्जर्व किया, आप लोग भी बाद में ऑब्जर्व करिए। सार का सोच है कि सरकार का पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, जो स्कीम है वो सक्सेसफुल होना चाहिए और क्वालिटी का साथ वो स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहिए। मेरा भी बिल्कुल ऐसा है, ये एक स्कीम को लेकर के सिमिलरिटीज है। दूसरा सिमिलरिटीज ये है कि सार एक बार एमपी बना, दो बार बना, तीसरा बार बना, केंद्र में 10 साल से मंत्री है, आज तक देखा ही नहीं देता है कि ये किरण सार का बिल्डिंग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा, बेंगलोर में एक फ्लैट खरीदा और अपना वहां में घर बनाया, ऐसा बिल्कुल दिखाई देने सुनाई भी नहीं देता। मेरा भी सेम है सर, मैंने जब ग्राम पंचायत मेंबर बना था उस समय में एक घर बनाया था, मैं इसी में रहता। इस बार टीना सर करके पानी टपक रहा था, मिसेस ने आसाम स्टोर से टीना मांगा करके बनाया, वो भी सही नहीं है बोला। तो मेरा भी ये है कि हम जो करेगा, जितना भी रहेगा इस दुनिया में, पब्लिक के लिए काम करेगा, हम अपना जिंदगी को पब्लिक को समर्पित करेगा, पब्लिक से हमको जो जो रेस्पॉन्स मिलता है, जो दुआ मिलेगा वो हमारे लिए काम करेगा, मैं इसमें विश्वास करता हूँ और साहब आपका भी मेरा से मेरा जैसा ही है। इसलिए मैंने ये सिमिलरिटीज को देखा, बाद में आप लोग भी ऑब्जर्व करिएगा, आप लोग को भी पता चलेगा। और इसी का साथ मैं सर आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारा पासीघाट तक सारा रूट बन करके हाईवे विद इन द अरुणाचल पहुंच के बैठा है, लेकिन हमारा पासीघाट से लेकर के ईटानगर और वहां बैराकुंड तक एक ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का एक प्रस्ताव रखा था। मैं वहां का एक परमानेंट मेंबर भी हूं। हम लोगों ने सारा डीपीआर
को डिस्कस करके फाइनल करके दिल्ली में भेजा था मिनिस्ट्री से सेंक्शन को, ये आपका सेंक्शन कराने के लिए। लेकिन वो डीपीआर जो है कुछ कारण से स्टेट में रिटर्न आया, पता चला है कि यहाँ रीना साहब सर्वे मेंबर है उसी कमिटी का। तो मैंने बोला था हम लोग यहाँ कॉम्पेंसेशन का इशू को बिल्कुल जिक्र नहीं करेगा और हम लोग कॉम्पेंसेशन नहीं लेगा, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोगों को हम लोग को कन्विंस करने का कैपेसिटी होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ एमएलए का रिजर्वेशन था, एक मिनिमम कॉम्पेंसेशन एटलीस्ट होना चाहिए। मिनिमम कॉम्पेंसेशन ये लोग यही बोला था कि आपका जिसका पानी गिटी जाएगा उसका, जिसका घर का ऊपर चला जाएगा उसका देना है, तो एक मिनिमम कॉम्पेंसेशन का जिक्र किया था। तो उसी वजह से गडकरी जी ने, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने वो डीपीआर को राज्य सरकार को रिटर्न कर दिया है कि ये पार्ट को आप लोग कॉम्पेंसेशन ये को नंबर को ओमिट करके भेजना है, अगर कॉम्पेंसेशन देना होगा तो भी स्टेट गवर्नमेंट देना है। तो स्टेट गवर्नमेंट तो कॉम्पेंसेशन देकर के रास्ता बनाएगा, वो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसलिए सार को मैं यही एक यहाँ का एक एक, एक, एक स्थानीय विधायक होने का नाते आपको मैं ये अनुरोध करता हूँ कि ये ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को बिफोर 24 इलेक्शन अगर ये स्कीम को हम लोग केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी अगर करा सकता है तो बहुत राहत होगा और ये हमारा खास करके लोअर सियांग भाषियों के लिए एक मददगार साबित होगा। मैं आपको ये दरखास्त करना चाहता हूँ। और उसका बाद हमारा 6 MLA है रीना सर खुद यहाँ मौजूद है, हमारा कालीन गोयंग साहब, निनोंग इरिंग साहब, मैं, रीना साहब, गोकार बासार साहब और तरीन डाकपे साहब, हम लोगों ने एक अर्जी डाला है राज्य सरकार को, हमारे चीफ मिनिस्टर को, ऊपर से एक मिडिल कॉरिडोर। वो मिडिल कॉरिडोर इधर से होगा आपका पासीघाट से होकर के ईगो दारी होकर के हमारा गारू गेंसी होकर शिवरित होकर के तामेन में जो आपका NEC एक रूट है तमिल दिलुमुग्रुद उधर जोड़ने से ये एक मिडिल कॉरिडोर आराम से बन सकता है। तो सीएम साहब ने उसका भी संज्ञान लिया, मेरे ख्याल ये भी प्रपोजल के अंदर आएगा। और यहाँ मैं सर आपको एक संक्षेप में बताना चाहता हूँ, पासीघाट से लेकर के ईगोदरी तक हम लोग को एक पैसा इन्वेस्ट करने कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वहां में 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा। फिर ईगोदरी से लेकर के हमारा गारू तो रास्ता बनाने कोई जरूरी नहीं, ये हमारा आकाजान बाम रोड में ये आपका ये होगा उसका माने उसी में जाएगा, उसमें ओवरलैप करेगा। फिर गारू गेंसी को अभी हम लोग PNGSY3 में रोड ब्रेड उसका है 5.5 मीटर, वो दिलुंगमुख बाया दुमपोरे जो सिबरित गिंग मुग को करके एक रूट है, वो भी सेंक्शन हो गया। अभी मेरे ख्याल अभी टेंडर प्लॉटिंग शुरू हो रहा है, 4 पैकेज में काम होगा। और दापोरेजो का दूरी होगा आपका दिलुंगमुख तो दापोरेजो होगा 110 किलोमीटर। तो उसी रूट में हम लोग जाकर के सेम ब्रिज में सिबोनसिरी में दापोरेजो जिस ब्रिज में क्रॉस करेगा उसी ब्रिज में हम लोग भी क्रॉस करेगा और वहां में थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगा 10 किलोमीटर जैसा। एक रास्ता जो है दिलुंगमुख चला जाएगा, एक जो है तामेन आपका NEC रूट में जुड़ के वहां अगर तामेन पहुंच जाता है तो हमारा ये कारादद ये क्या बोलते हैं कुरुंगकु में वाई ईस्ट कमिंग तावांग बोमदिला जाने के लिए कोई इशू नहीं है। ये एक मिडिल कॉरिडोर आराम से बन सकता है और दापो जाने के लिए यहाँ से आपका यिंग्योंग आलोज मतलब अपर में जितना डिस्ट्रिक्ट है ये रूट बहुत उसके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए सर 2 बड़ा प्रोजेक्ट है, एक ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक मिडिल कॉरिडोर है, उसके लिए सर आप दिल्ली में काम करना होगा। मैं यहाँ का एक लोकल MLA का नाते आपको आज आपका संज्ञान में उसको रखना चाहता हूँ। और एक प्रोजेक्ट है सर, उसको हमारा कुंजुम रिवा साहब अच्छी तरह मालूम है, हम लोगों ने लिकावली हायर सेकेंडरी स्कूल को मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए
पहले एमएसडीपी हुआ करता था, अभी पीएमजेबीवाई बोलता है उसको, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना बोलता है, उसी का अंतर्गत सेंक्शन कराने के लिए 35 करोड़ का, उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ए से लेकर के जेड तक, टीचर क्वार्टर, स्कूल बिल्डिंग, गर्ल्स हॉस्टल, ऑडिटोरियम, स्कूल कंपाउंड सारा बनेगा। तो उसके लिए स्टेट प्रायोरिटी में स्कीम चला गया था, मिनिस्ट्री तक पहुंच गया था, लेकिन मिनिस्ट्री का कुछ गाइडलाइन में चेंजेस का बदलाव का कारण से वो स्कीम 11 साल जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेंक्शन कर पाया। अभी फिर डीसी साहब हम दोनों मिल करके उसको जब इसका पोर्टल खुल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, हम लोग उसको पोर्टल में डाल देंगे सर, उसको बिफोर 24 इलेक्शन आप दिल्ली में उसको भी सेंक्शन कराने से ठीक है, क्योंकि लिकावली हायर सेकेंडरी स्कूल का कंडीशन बहुत ही खराब है। तो एक अच्छा मौका मिला आपको तीन बड़ा प्रोजेक्ट का बारे में आपका साथ जिक्र करने में, और यहाँ लिकावली का हमारा पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है हमारा बीजेपी का, उसका बारे में हमारा मौली रिवा जी ने भी जिक्र किया, हमारा फॉर्मर मंडल प्रेसिडेंट चेन्या ताजू जी ने भी जिक्र किया। हमारा यहाँ आज तक कोई ऑपोजिशन नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एक हमारे लिए बहुत एक अच्छा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कांग्रेस से कोई लड़ेगा ऐसा आज तक सुनाई नहीं देता है, एनपीपी से टिकट लेगा ऐसा कुछ किसी को भी सुनाई नहीं देता है, और ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बहुत है अरुणाचल में। अभी एक सुनने में आया है कि एक गोनो सुरक्षा पार्टी ऐसा कुछ है, देखने में गाना बोल के लिखता है, तो कई पॉलिटिकल पार्टी में लड़ेगा ऐसा कोई हमारा यहाँ में कैंडिडेट नहीं है, और बीजेपी तो एक ही परिवार है, हम क्यों झगड़ा करेगा। मेरे ख्याल आने वाला में हमारा यहां में अगर जो चेन्या ताजू साहब ने बताया उसी को नहीं दोहराते हैं तो यहां निर्विरोध होने का भी बहुत ही पॉसिबिलिटीज है, मैंने देखा है, अच्छी तरह देखा है, और आज तक तो मेरा साथ जो ज्वाइन हुआ 4000 से भी ज्यादा वोटर्स हम लोग का साथ ज्वाइन किया, और ऐसा ऐसा बस्ती 100% है, और दीपा में मेरे ख्याल 500 का करीब वोटर होता होगा। मैं आज दीपा धरती में खड़ा होकर के दावा का साथ बोल सकता हूं कि दीपा में मेरा दबदबा है 80% से बिलो नहीं होगा, यहां मेरा सपोर्ट है। ये एक बस्ती का उदाहरण है, और दीपा बस्ती ऐसा एक बस्ती है, यहाँ कैंपस करने कोई आ करके किसी को पूछा के भला के बूथ मरवाएगा, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ का लोग शिक्षित है, यहाँ से बहुत अवसर है, यहाँ में सेल्फ